जमीन पर। आप अपने फोन के पीछे छुपे हुए हो, कैसे दिखेगा नीचे नीचे। तो ट्रेलर बहुत जबरदस्त लगा, गाना भी अभी सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे शायद। बट एक सवाल यह है कि जो इसका प्लॉट है मूवी का, काफी लोग आपके ट्रेलर पे भी कमेंट मैंने पढ़ा है, काफी उसको कंपेयर कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि उसको कह रहे हैं कि इट्स लाइक काइंड ऑफ वन ऑफ अ डेली सॉन्ग दैट यूज्ड टू ऑन एयर। सो आप सबकी बहू रजनी का है ये, ऐसे कुछ नाम तो याद है। हां, ये मैंने भी काफी बार पढ़ा है, उसमें वो रोबोट थी। हां तो वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। नहीं उसमें बेस नहीं है, बट ये एक सिमिलैरिटी है, बट ये एआई रोबोट है जिसके जिनका बिहेवियर ऐसा है कि कह ही नहीं सकते कि वो इंसान से अलग है। तो वो एक जो आई थिंक आज की तारीख में टेक और एआई जो अब आ रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करके थोड़ा एक कदम आगे गए हैं हम लोग कि अगर ऐसा होगा बॉस तो कैसा होगा कि आपको सिफ्रा जैसी रोबोट मिल सकती है जो कस्टमाइज होगी, आपको जो चाहिए जैसे चाहिए आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, और क्या ये लव हो सकता है, क्या ये लव सिर्फ दो इंसानों के बीच में ही होना चाहिए या हो सकता है, इसी को लेकर हमने ये फिल्म बनाई है। तो आई थिंक ऑफकोर्स रोबोट के ऊपर तो फिल्में काफ़ी आ चुकी हैं, यू नो चिट्टी रोबोट वॉज ऑल्सो देयर, रावण वॉज ऑल्सो देयर। तो एक्चुअली वो एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज थोड़ी फेमिलियरिटी होना तो इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो वाइडर ऑडियंस को शायद समझ ही नहीं आया कि आप क्या कर रहे हो। पर क्योंकि वो आ चुका है इसलिए हमें लगा कि उसको एक स्टेप आगे ले जाके और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो और कॉम्प्लिकेट करेंगे तो कैसे रायता फैलेगा, वो ये फिल्म है।